तालिबानों की अफगानिस्तान में चल रही जंग का आर्थिक तौर पर असर कई देशों के साथ साथ भारत पर भी दिखाई दिया। भारत में ड्राई फ्रूट की सप्लाई ना मिलने के चलते ड्राई फ्रूट के दाम आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट में भारी निराशा पाई जा रही है, जिसको लेकर आज तेज पंजाब न्यूज की टीम ने ड्राई फ्रूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल मेहरा के साथ खास बातचीत की। सुनिए क्या कहना है उनका। मैं अनिल मेहरा, फेडरेशन ड्राई फ्रूट यूनिट प्रेसिडेंट। इस वक्त जो हालात है तुम लोग सारे देख ही रहे हो टीवी के उ, बड़े खौफनाक हालात है। इन हालातों के बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी ट्रेड है वो शांति, बिजनेसमैन शांति चाहता है। और इस टाइम पर जो हालात बने हैं दोनों पास वाल इन्ने डिस्टर्ब है, जोड़ा भेजन वाला वह भी डिस्टर्ब है, जोड़ा मंगवाने वाला वह भी डिस्टर्ब है। क्योंकि जी क्रॉप है इस वक्त प्रेजेंट क्रॉप जी नवी क्रॉप है, अजय सारी की सारी क्रॉप 100% जी अफगानिस्तान ही है, वो सारी इंडिया वास्ते वेट कर रहे हैं, इंडिया भेजने वास्ते। लेकिन हालात इन्ने बिगड़ चुके हैं कि उस हालातों के माल में मंगवाने वास्ते बड़ा जबरदस्त रिस्क जोखिम भरिया काम है। जोड़े भेजन वाले वो इस करके परेशान है कि उन्होंने को माल की रख ही नहीं हैगी, क्योंकि माल की जी खपत है वो मेन इंडिया की अपना इंडिया ही है। और जोड़े इंपोर्टर इतों मंगवाने वाले वो परेशान है कि माल आएगा तो साड़ी दुकानदारी चलेगी या असं व्यापार कर पावे। और इस तरह का नाजुक हालात बन गए जिद कारोबार करना से बहुत ही मुश्किल का सामना करना पै रहा है। और मैं उम्मीद है कि अपना साढ़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर कोई ये कोई उलझन आएगी और जरूर उन्होंने ठीक करेंगे। और फिलहाल तो बच्चे इस वक्त यह हालात है कि असी वेट कर रहे हैं भी किसी टाइम पर भी कोई बॉर्डर खुल जाए, जेडे कि बॉर्डर बंद है और अफगानिस्तान का जी ट्रेड है वो सुचारू रूप में चालू हो पाए। क्योंकि हर व्यापारी चाहता है कि मेरे कोई ना कोई ट्रेड हो, क्योंकि असी लोग सब लोग बॉर्डर से बैठे हैं, ऑलरेडी असी पाकिस्तान का व्यापार खत्म कर चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान से होप है। और सानू आने वाला टाइम जरा उ दसेगा भी जेडे तालिबान है वो साड़ी इंडियन गोरमेंट के नाल किस तरह के तलुकात रखते हैं और इंडियन गोरमेंट जी है उन्होंने वास्ते की एक्शन लेंदी है वो आने वाला टाइम दसेगा। इस वक्त जी हालात है इस तरह ही है कि 99% क्रॉप जी है नवी तैयार है और इंडिया के बगैर वो क्रॉप तो कोई भी इंडिया तो बगैर नहीं मंगवा सकता। और तालिबान भी वो जरा अफगानिस्तान का जी ट्रेड है तो उन्होंने पता कि इकनोमिक जी है वो सारी 90% ड्राई फ्रूट डिपेंड है और वो भी चाहेंगे कि जो ड्राई फ्रूट उन्होंने डिस्टर्ब ना किया जाए। साढ़े भी ईश्वर अगर यही प्रार्थना कि साढ़े को सारे लोगों को ट्रेड है इस समय अफगानिस्तान की, जेडे कि असं लोग 50-60 साल तो करते आ रहे हैं, साढ़े को कोई कारोबार नहीं। और भगवान के अगर यही अरदास है कि कुछ ना किसी तरीके जी उलझन है वो दूर की जाए। असी लोग इस टाइम सब लोग उलझन ही हैं।